नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रिमा जादौन और खबर हरियाणा से है। मुख्यमंत्री ने किया शिक्षा विभाग के अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के स्कूल में योग शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1000 आयुष सहायकों के पदों पर स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अब तक 560 व्यायामशालाएं स्थापित की गई हैं और इसके अतिरिक्त 600 व्यायामशालाएं स्थापित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने आज पानीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिक्षा विभाग के अध्यापकों के योग परीक्षण शिविर को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 चरणों में 6000 स्कूलों में चलाया जाएगा। प्रातःकालीन सभाओं में योग का समावेश किया जाएगा। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को पानीपत से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एवं हरियाणा योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित शिक्षा विभाग के अध्यापकों के योग प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जिस तरह से योग साधना, व्यायाम साधना, प्राणायाम बहुत लाभदायक रहे हैं, उसी तरह से शरीर के अन्य विकारों को समाप्त करने के लिए योग को निरंतर आगे ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि योग से कर्म मैं कुशलता आती है, इसलिए अध्यापकों के लिए यह प्रशिक्षण शिविर एक सप्ताह का होगा, जिसमें पहले चरण में 2200 अध्यापकों को योग में प्रशिक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में योग का महत्व बढ़ाया जाए। अष्टयोग विद्या मन, आत्मा और शरीर को जोड़कर जो क्रिया प्रकृति क्रिया देती है, उसे योग साधना कहा जाता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने योग को मान्यता दी है और आज विश्व के 200 देश योग को अपना रहे हैं। यही कारण है कि योग आज विश्वविख्यात हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग मनुष्य को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में सहायक है। प्राचीन काल में गुरुकुल में जब शिक्षा प्रदान की जाती थी तो शिक्षक व बच्चे हर तरह से योग में पारंगत होते थे और उसे आगे बढ़ाते थे। योग के माध्यम से ही जीवन के तनाव व चिंताओं से पार पाया जा सकता है, क्योंकि संयम सहनशीलता योग के कारण ही संभव है। उन्होंने कहा कि योग से संबंधित प्रतियोगिताएं खंड से लेकर राज्य स्तर तक आयोजित की जाएंगी। योग से कर्म में कुशलता आती है और मन स्थिर रहता है। योग करने वालों को योगी भी कहा गया है। अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति योगी बने और उसे साधना को आगे बढ़ाए। प्राइम न्यूज 24 के लिए हरियाणा से ब्यूरो की रिपोर्ट। मुझे एक बात विचार आ रही है कि योग दिवस तो देश के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के द्वारा, उनकी जो दूरदर्शिता है उसके कारण से विश्वविख्यात एक ऐसा अवसर बना 21 जून को, जिसको यूएन ने भी मान्यता दी। 170 देशों ने एक साथ उनके पक्ष में उस दिन ये प्रस्ताव पारित किया और आज न केवल 170 बल्कि 200 देशों में योग प्रचलित हो चुका है। मन में ऐसा इच्छा आ रही है कि हम क्यों नहीं वर्ष में एक बार, चाहे किसी रविवार के दिन ही क्यों ना करें, योग प्रशिक्षण दिवस इस नाम से भी तय करें, ताकि योग दिवस में तो आम जनता का यानी एक प्रदर्शन होता है, लेकिन जिस योग को समाज में लोगों ने पहुंचाना है उन शिक्षकों की भी अपनी भूमिका है, इनका भी निरंतर प्रशिक्षण करने का कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए। योग सामान्य कोई प्राणायाम और आसन यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अगर हम अष्ट योग की बात करें तो 8 प्रकार के योग होते हैं जो मनुष्य जीवन को हर प्रकार से और सिद्ध बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसको एक ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। योग का अर्थ होता जोड़। जोड़ यानी किन चीजों का जोड़? हमारा मन है, हमारी आत्मा है, हमारा शरीर है, हमारी बुद्धि है, इन सबको जोड़ करके जो क्रियाएं यानी प्रतिक्रियाएं होती हैं उसमें उत्तरोत्तर एक दिशा के अंदर आगे बढ़ने के लिए इस योग साधना का हम लोग उपयोग करते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुलों की व्यवस्था देखते हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था का अभिन्न अंग योग होता था। शिक्षक और हमारे जो संत सन्यासी जो उन गुरुकुलों की देखरेख करते थे वो सब योग में बड़े पारंगत थे, उच्च कोटि के योगी थे। तो इस प्रकार से उस योग को बीच में, जिसको कहना चाहिए, विलुप्त हो गई ये सारी विद्या, लेकिन फिर से जो केवल कुछ संत सन्यासियों के आश्रमों तक, पहाड़ों कंदराओं तक योग रह गया था, आज फिर प्रधानमंत्री जी के उस प्रयास के कारण से न केवल अपने देश में बल्कि दुनिया में अब ये जाने लगा है। हम लोग अभी
बहुत सीमित मात्रा में इसका प्रशिक्षण जो करते थे, योग दिवस के नाम से देश भर में कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम करते थे, लेकिन अब समय आ गया है कि हर व्यक्ति के जीवन में इस योग का महत्व बढ़ाया जाए।